सीटी स्कैन करवाते समय क्या सावधानी रखनी है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आप सीटी स्कैन करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है कि आपके शरीर पे कोई मेटल की वस्तु ना हो तो अच्छा है, जैसे कि घड़ी है, चेन है, अंगूठियां हैं, ऐसी चीज़ें हटा देनी हैं, जैसे कि ये चश्मा है, राइट। मेटल की कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हटा दें, वो इमेज के प्रोसेसिंग में इंटरफेयर करता है, मतलब वो जहाँ पे सीटी स्कैन होनी है उसको अच्छे से देखने ना दे। और इसके अलावा अगर आपको कोई परमानेंट इम्प्लांट डला है तो अपने डॉक्टर को बताएं, जैसे कि सुनने की मशीन अगर अंदर डली है, या हार्ट के अंदर पेसमेकर लगा है, या हड्डियों के अंदर नेल लगा है, वायरिंग वगैरह करी है, या दांत के अंदर कुछ लगवा रखा है, तो उसको आपको बताना है। सीटी स्कैन हो जाएगा लेकिन इसकी इमेज की प्रोसेसिंग में इंटरफेयर करता है, इसलिए डॉक्टर को पता होना चाहिए। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे मरीज जिनको किडनी की प्रॉब्लम है और लीवर की प्रॉब्लम है, स्पेशली किडनी की प्रॉब्लम है, क्रोनिक किडनी के पेशेंट हैं, तो उनको क्रिएटिनिन का लेवल होगा तब जब कंट्रास्ट वाली सीटी स्कैन होने वाली है। प्लेन सीटी स्कैन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कंट्रास्ट देना है, आयोडीन का कंट्रास्ट होता है ताकि ज़्यादा अच्छी इमेज आए, उस केसेस में क्रिएटिनिन का लेवल करवाया जाता है। तो अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को बताएं, उस केसेस में क्रिएटिनिन का लेवल होगा, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि कंट्रास्ट दिया जाए कि नहीं दिया जाए। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये एक्सरे होता है, इसमें एक्सरे का रेडिएशन होता है, और एक्सरे एक आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कैंसर के इंसिडेंस बढ़ा सकता है, राइट। तो इसको भी एक सोच समझ के लेना है कि हमें सीटी स्कैन बार बार नहीं करवाना चाहिए, जब बिल्कुल ही ज़रूरत हो तब सीटी स्कैन करवाएं, और अगर एमआरआई मशीन से काम चल जाए या सोनोग्राफी करवाने से काम चल जाए तो सीटी स्कैन को अवॉइड करना ही उस केसेस में बेहतर रहता है। और गर्भावस्था के दौरान ये सीटी स्कैन कंट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसमें ये हार्म पहुंचा सकता है। तो ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट हैं उनको सीटी स्कैन नहीं किया जाता, नहीं रिकमेंड करा जाता। और इसके अलावा आपको क्लास्ट्रोफोबिया है, बंद स्पेस में अगर घबराहट और डर लगती है तो उस केसेस में भी आपको अपने डॉक्टर से बताना है कि मुझे डर लगता है, तो उसके लिए दवाइयाँ हैं सिडेशन की, वो की जा सकती है, या बेहोशी दिया जा सकता है। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एलर्जिक रिएक्शन अगर आपको है, स्पेशली आयोडीन से, या जनरलाइज एलर्जी है, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, उस केसेस में कंट्रास्ट देते समय सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको पहले लेने से ये कंट्रास्ट की जो एलर्जी है कम हो जाएगी, या उसके बाद भी आपके ऊपर कम से कम अच्छे से एक ऑब्जर्वेशन होगा। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं सीटी स्कैन करवाते समय आपको ध्यान रखनी है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मशीन पे ध्यान देना है, जो सीटी स्कैन की मशीन होनी चाहिए वो कम से कम 64 स्लाइस, या अच्छा है कि उससे ज़्यादा 128 स्लाइस की हो, और आजकल 256 स्लाइस की सीटी स्कैन मशीन आती है। जितना ज़्यादा स्लाइस की मशीन उतनी अच्छी उसकी इमेज आएगी, उतनी अच्छी इमेज की प्रोसेसिंग होगी, उतनी डिटेलिंग अच्छी होगी, क्योंकि आपके पैसे तो उतने ही लगने हैं, चाहे स्लाइस कम हो चाहे ज़्यादा है। तो बेटर स्लाइस वाली मशीन आप चुनें, राइट। तो ये कुछ सावधानियां हैं जब आप करवाने जाएंगे तो ध्यान रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।